दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मैकेनिकल सिस्टम में यूज होने वाले फ्लूट्स कई तरह के होते हैं। एक विशेष एप्लीकेशन के लिए किसी भी फ्लूट को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक चुना जाता है। किसी भी फ्लूट के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है उसकी विस्कोसिटी। फ्लूट अपने फ्लो होने को कितना रेजिस्ट करता है, यही उस फ्लूट की विस्कोसिटी होती है। जिन फ्लूट्स की विस्कोसिटी कम होती है वो आसानी से फ्लो करते हैं। पानी एक लो विस्कोसिटी वाला फ्लूट है। जिन फ्लूट्स की विस्कोसिटी अधिक होती है वो आसानी से फ्लो नहीं करते, जैसे कि शहद, जिसकी विस्कोसिटी काफी अधिक होती है, ये पानी से काफी ज्यादा विस्कस होता है। फ्लूट्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है विस्कोसिटी इंडेक्स। ये फ्लूट के फ्लो को इसके टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है। बहुत से फ्लूट्स का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वे ज्यादा आसानी से फ्लो करने लगते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स इसी कैरेक्टरिस्टिक को मापने का एक स्केल है। एक हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ये दर्शाता है कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी ज्यादा नहीं बदलती, और एक लो विस्कोसिटी इंडेक्स ये बताता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ फ्लूट की विस्कोसिटी में भी काफी बदलाव आता है। कंप्रेसिबिलिटी भी फ्लूट के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। ये प्रेशर में होने वाले परिवर्तन के कारण फ्लूट के वॉल्यूम में होने वाले परिवर्तन को मेजर करती है। गैसेस जैसे फ्लूट्स काफी कंप्रेसिबल होते हैं। जब इन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो इनके वॉल्यूम में काफी ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। लिक्विड फ्लूट्स का भी एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। पानी और पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूट्स लगभग पूरी तरह इनकंप्रेसिबल होते हैं। जब इन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो वे कंप्रेस नहीं होते। इनके इसी गुण के कारण इनका इस्तेमाल फ्लूट सिस्टम्स में पावर ट्रांसमिट करने में होता है। कई साल पहले पानी को हाइड्रोलिक फ्लूट के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी मात्रा और कम कीमत में और कोई फ्लूट उपलब्ध नहीं था। पानी को एक वर्किंग फ्लूट की तरह इस्तेमाल करने के लिए कई ड्रॉबैक्स भी हैं। इसकी कम विस्कोसिटी के कारण इसे पंप करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जिस स्पीड से ये सिस्टम में बहता है उससे सिस्टम पर एक इफेक्ट पड़ता है जिसे वायर ड्रॉइंग कहते हैं। जब पानी मशीनरी की मेटल से फ्लो होकर गुजरता है तो वो कॉर्नर्स को इरोड कर देता है। इसके इस्तेमाल से मेटल मशीनरी में जंग भी लग सकता है। पीछे कुछ सालों में पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की कीमतों में काफी कमी आई है। किसी भी दूसरे लिक्विड की तुलना में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। इसे कम पावर लॉस के साथ पंप किया जा सकता है। सिस्टम में काम के दौरान ये उन्हें लुब्रिकेट भी करता रहता है, और मेटल मशीनरी पर इसका कोरोसिव इफेक्ट बहुत कम होता है। इसकी ज्वलनशीलता एक दिक्कत है, लेकिन सिंथेटिक ऑयल्स के बनने के बाद हम इन्हें पानी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज करने वाले फ्लूइड सिस्टम को डिजाइन करते वक्त हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से पहला है साफ सफाई। ऑयल कभी खराब नहीं होता, लेकिन ये इतना कंटेमिनेट हो सकता है जिससे कि ये आगे इस्तेमाल करने लायक ही न रहे। कंटेमिनेशन को कम करने के लिए फ्लूइड सिस्टम्स में कई जगह फिल्टर लगे होते हैं। एक निश्चित समय के बाद सिस्टम के पूरे ऑयल को बदलना भी पड़ सकता है, और एक बड़े सिस्टम के केस में ये काफी खर्चीला हो सकता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में एक और चीज कॉमन है, और वो है एडिटिव्स का यूज। एडिटिव्स फ्लूइड्स से हवा और बबल्स को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि फ्लूइड पूरे सिस्टम में तेजी से बहता है, इसलिए हम एडिटिव्स का इस्तेमाल रिजर्वायर में कोरोजन रोकने के लिए भी कर सकते हैं। फ्लूइड को पानी में मिक्स होने से रोकने के लिए एडिटिव्स का इस्तेमाल डिमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह भी कर सकते हैं। आधुनिक फ्लूइड्स की इतनी सारी वैरायटीज उपलब्ध हैं कि किसी भी नए सिस्टम को डिजाइन करते समय फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, क्लीनलीनेस, फिल्ट्रेशन और एडिटिव्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।